सिंगरौली में रेत माफियाओं ने सरकारी टीम पर हमला बोल दिया और खनिज विभाग के लोगों की जमकर पिटाई की और उनके वाहन भी तोड़ दिए। इन माफियाओं के सामने प्रशासन लाचार नजर आ रहा है। रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन की सूचना पर बनगवा थाना में राजा सरई गांव में पहुंचे खनिज कर्मचारियों पर रेत माफियाओं ने हमला कर सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करते हुए रॉड लाठियों से खनिज निरीक्षक कपिल मुनि शुक्ला सहित तीन लोगों को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की खबरें लगते ही पुलिस टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब घायलों को जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यहाँ गदसा की भी बार बार शिकायत आ रही थी, ऐसे राजा सरई पेट्रोल पंप पास पहुँचे थे, तभी एक आदमी के फोन आया कि वहाँ रेत का परिवहन हो रहा है, तो अंदर गए उसके बताए अनुसार जगह पे दो ट्रैक्टर रेत से लोड खड़े थे जिनका फोटो लिया जा रहा था, नंबर नोट किए जा रहे थे, वहाँ पर दो तीन लोग बैठे थे, देख के भाग गए घर के अंदर। अचानक में नंबर नोट करते समय ही घर से 15-20 लोग लाठी डंडा राड लेकर के कुल्हाड़ी लेकर के बाहर निकले और एक तरफ से मारना शुरू कर दिए। लोग चार लोग थे, एक हमारा सिपाही था, ड्राइवर था, सर्वेयर था और मैं था, सभी लोगों को चोट लगी। इस घटना में कुंदन सिंह और चंदन सिंह सहित आधा दर्जन रेत माफिया आरोपी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना पर बरगावा पुलिस ने हमलावरों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर उन सभी की तलाश शुरू कर दी है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा व सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह खनिज विभाग के इंस्पेक्टर व अन्य घायलों को देखने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। कलेक्टर ने कहा कि जो भी इस घटना के अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, उस अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निकल जो भी घटना घटित हुई है वो नहीं है और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं और लगातार इस पर नज़र रखेंगे। जो भी हमला है उसके साथ पूरा हमारा परिवार है, उसके साथ में हम पूरी तरीके से एकजुट हैं और जो भी कड़ी से कार्रवाई उसमें हो सकती है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम इसमें करेंगे। जिला माइनिंग अधिकारी एके राय ने कहा, रेत का अवैध खनन परिवहन किए जाने की सूचना पर खनिज निरीक्षक सहित अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचा था, जहां पर रेत लोड ट्रैक्टर थाने ले जाते वक्त हमला किया गया जिसमें निरीक्षक सहित तीन लोगों को चोटें आई हैं। कल हमें शिकायत प्राप्त हुई थी तो हमारे माइनिंग इंस्पेक्टर लोग करथुआ के पास जाँच करने के लिए गए थे रेत के अवैध उत्खनन की। वहाँ कुछ लावारिस सूत्र रखा हुआ जेत उन्होंने 120 घन मीटर उन्होंने जब्त किया। जब वापस आने लगे तो दो तीन दिनों से गदसा तेलदा के पास से रेत के अवैध उत्खनन को लेकर के बराबर मोबाइल से शिकायतें माइनिंग इंस्पेक्टर को मिल रही थी। तो तेलदा के पास जब पहुंचे तो किसी मोबाइल जो कृष्णा नाम के मोबाइल से उनके पास खबर गई कि दो ट्रैक्टर ट्राली रेत का लोड करके कुंदन सिंह के घर के पास खड़े हैं। तो ये लोग जाकर के उसकी जाँच किए, इन्होंने मौके पर दो ट्रैक्टर ट्राली रेत भरी हुई पाई। वहाँ पुल पे 4-5 लोग बैठे हुए थे, उनसे पूछताछ किया तो लोग बोले हम गांव के हैं, बैठे हुए हैं। फिर ये ट्रैक्टर को वहाँ पे ये लोग पकड़ करके थाने ले जाने का प्रयास करने लगे। इतने में ही एक पास में ही घर बना है जो उनके द्वारा बताया जा रहा कि कुंदन सिंह का घर है, उसमें से कई लोग लाठी लेकर के और डंडे लेकर के कुल्हाड़ी लेकर आ गए और जानलेवा आक्रमण कर दिए। इसमें हमारे यहाँ के माइनिंग इंस्पेक्टर कपिल मुनि शुक्ला को सर पे काफ़ी चोटें आई हैं, टांके लगे हैं, अभी ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।